जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं दिन भर के आज हमारी रामनवमी महोत्सव समिति की बैठक हुई, जिसमें हम लोगों ने आगामी 2 अप्रैल को रामनवमी महोत्सव की शोभा यात्रा निकलेगी उसके परिप्रेक्ष्य में आज बैठक की और शीघ्र इस समस्याओं के लिए हम जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देंगे जिसमें हमारी विभिन्न समस्याएं उसको रखेंगे। क्या नाम है आपका? अमित सेठ बोलू, कार्यक्रम से। आज प्रथम बैठक है रामनवमी को भव्य बनाने के लिए, क्योंकि भगवान राम का मंदिर भी इस जन्मोत्सव में अयोध्या में बनने वाला है, तो इसके सापेक्ष में और भी भव्य तरीके से इस बार रामनवमी को भव्यता से मनाएं। और न और चूँकि नवरात्रि भी चैत्र की नवरात्रियाँ प्रारंभ हो रही हैं, तो उसके सापेक्ष में भी डीएम साहब को और एसपी साहब को सुरक्षा व्यवस्था, नाली सफाई और पानी की और बिजली की व्यवस्था को लेकर उसमें ज्ञापन दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार पांडे, महामंत्री। 2 तारीख को दो अप्रैल को रामनवमी, उसी की प्रथम बैठक की जा रही है। इसके एक हफ्ते बाद 23 तारीख को दूसरी बैठक की जाएगी, उसकी पूरी तैयारी जो की जाएगी रामनवमी की, उसकी बैठक की। बाकी इस साल 491 साल बाद हम लोग को मौका मिला है भगवान राम के लला का, जो क्या कहते हैं, मंदिर बनने का। इसलिए इस वर्ष रामनवमी का रूप बहुत भव्य होना चाहिए, जिसको हर आदमी देखे। जब पूरे जनपद में जाएगी? पूरे जनपद में तो रहेगी, हर जिलों में, पूरे हिंदुस्तान में रहेगी, क्योंकि जब से राम जन्मभूमि का 8 नवंबर को फैसला आया था, तब से किसी को मौका खुशी मनाने का नहीं मिला। इस बार मौका अब ये रामनवमी में 8 दिन का 24 तारीख से लगा के 8 तारीख तक रहा, हनुमान जयंती तक का मौका हम लोगों के पास है। रोज चाहे जितनी खुशी मनाएं। इसी के साथ जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल के ऐप को अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। एक बार फिर दिन भर की खबरों के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।